मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 4 में व्यवसायिक क्षेत्रों को खोलने की तैयारी की जा रही। ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में नई गाइडलाइन के तहत दुकानें शुरू की जा रही, पर इंदौर में अभी तक किसी भी प्रकार की सहायता और ना ही दुकानें शुरू करने के लिए कोई आश्वासन दिया गया है। लॉकडाउन 4.0 जो अब ख़त्म होने वाला है जल्दी, इसके बाद देखा जा रहा है कि कैशिल्पी लोगों का व्यवसाय अन्य जिलों में खुलने जा रहा है, पर इंदौर में अभी तक इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं जा रही है कैशिल्पी मंडल को। इंदौर शहर में विगत 3 माह से इंदौर शहर में कैशिल्पी व्यवसाय बंद है, क्योंकि इंदौर में रेड जोन घोषित करा था। इस कारण से हमारे यहाँ प्रिकॉशन ज़्यादा है, परंतु हमारे द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री को मांग की गई है ज्ञापन द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, कि जल्द से जल्द हमारे समाज की दुकानें भी खुलें और हमारे द्वारा भी गाइडलाइन का पालन कर नियमानुसार जो भी शर्तें रहेगी उस हिसाब से हम पूरा हमारी दुकानें चालू करेंगे। ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर एक बड़ा क्वेश्चन प्रश्न साबित हो रहा है लोगों में कि सैलून व्यवसाय से कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका ज़्यादा बढ़ रही है। चूँकि ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, सैलून संचालक जो है विगत कई वर्षों से जब से सैलून व्यवसाय चालू है, सैलून संचालक हमेशा सैनिटाइज की चीज़ें यूज़ करता आया है। अगर दाढ़ी बनाता है तो वो फिटकरी का यूज़ करता है, जो क्योंकि सैनिटाइज के हिसाब से होती है। अगर शेविंग होती है तो आफ्टर शेव जो लोशन रहता है वो भी सैनिटाइजिंग रहता है। यानी शुरू से ही सैलून व्यवसाय काम करने वाले लोग प्रिकॉशन लेके काम कर रहे हैं और ग्राहकों की सुविधा अनुसार सारे काम करे जाते हैं। नीलेश सेन शेलू, केंद्रीय समिति सेन समाज इंदौर अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।